चलिए रुख करते हैं चीन ताइवान की ओर, जहां चीन के लिए ताइवान से जंग का सीन आसान नहीं है। बहुत बड़ी खबर आ रही है चीन ताइवान से जुड़ी हुई। चीन के खिलाफ पलटवार के लिए तैयार है ताइवान। ताइवान की सेना ने नेवल बेस पर युद्धाभ्यास किया है। ताइवान की राष्ट्रपति ने इसका जायजा भी लिया है। ताइवान ने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से वॉर ड्रिल भी किया है। ताइवान को अमेरिका से मिला है ये पेट्रियट डिफेंस सिस्टम और इसको अब वो और एडवांस करने की मांग कर रहे हैं अमेरिका से, जिसका आश्वासन भी अमेरिका ने दिया है। लेकिन ये पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को लेकर ही ताइवान ने अपना युद्धाभ्यास भी कर दिया। जंग के लिए तैयार ताइवान, घातक हथियारों से लैस ताइवान, चीन के खिलाफ डटा ताइवान, चीन के खिलाफ ताइवान ने तैयारी कर ली है। अभी तक चीन अपनी वार ड्रिल से ताइवान को डराता था, कभी लड़ाकू विमानों के शोर से खौफ मचाता था, लेकिन अब ताइवान पलटवार को तैयार हो चुका है। ताइवान किसी भी कीमत पर चीन के सामने झुकना नहीं चाहता। इसको लेकर वो अपनी सरजमी पर लगातार वार ड्रिल कर रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति की मौजूदगी में चीन के खिलाफ जंग की तैयारी की गई। सैनिकों ने आधुनिक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास किया। राष्ट्रपति साई इंग वेन फुल एक्शन में उन्होंने नेवल बेस जाकर नौसेना की तैयारियां देखी और इस दौरान नौसेना के अधिकारियों ने साई इंग वेन को हर हथियार की जानकारी दी। लेकिन इन सब में सबसे खास था अमेरिका से आया पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो चीन के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। इस वार ड्रिल के साथ ही ताइवान ने ऐलान कर दिया कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो दुश्मन की खैर नहीं। 台湾或者是试图侵略台湾，将付出很大的代价。अमेरिका से आया एयर डिफेंस सिस्टम ताइवान की ढाल बन चुका है और युद्ध की बढ़ती आशंका को देखते हुए ताइवान ने अमेरिका से साल 2026 तक कॉन्टैक्ट को बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरह से चीन आग तरेर रहा है उससे लग रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। और इस हालात में आने से पहले ताइवान हर मोर्चे पर खुद को तैयार कर रहा है। अपनी सेना का जोश बढ़ाने में ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन भी पीछे नहीं है। वो हर कदम पर अपनी सेना के साथ हैं। पेलोसी के ताइवान यात्रा के बाद तो उनका हौसला और भी ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि चीन की चिढ़ बढ़ती जा रही है और इस बीच अमेरिका हर तरह से ताइवान के साथ खड़ा दिख रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति के सामने हुए इस वार ड्रिल में घातक हथियारों का जखीरा दिखा। टैंक से ताबड़तोड़ गोले निकले तो एक से बढ़कर एक रॉकेट लॉन्चर गरजे। आसमान में लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी।
सबसे खास था मिसाइल अटैक से बचने वाला हथियार यानी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस हथियार से ताइवान पर आने वाला मिसाइल संकट टल सकता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। आपको बताते हैं कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत क्या है। दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिनाने में सक्षम। अब ये काम कैसे करता है इसको भी जानना जरूरी है। इसमें लगे सर्विलांस रडार दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके कंट्रोल स्टेशन को निर्देश देता है, फिर कंट्रोल स्टेशन जानकारी मिसाइल लॉन्चर को देता है और फिर दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर दिया जाता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगा मिसाइल लॉन्चर सिर्फ 9 सेकंड में तैयार हो जाता है। ताइवान पर चीन के हमले की आशंका पेलोसी की यात्रा के बाद से ही है और उसी समय से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और उसे हर हथियार दे रहा है। अब उसके इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ताइवान को मजबूती मिलेगी और चीन की मुश्किल बढ़ जाएगी। प्रीति इस वक्त ताइवान में है और हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। प्रीति, बताया जाता है किनमन आइलैंड जहां आप गई थी, शायद अगर चीन हरकत करता है तो उसी आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेगा क्योंकि फिर वो फिर ताइवान के ठीक बगल में आकर बैठ जाएगा और घुसने की कोशिश करेगा। 70 के दशक में उसने ये कोशिश की थी, तब वो नाकाम हुआ था। आनंद, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस वक्त मैं अपने व्यूवर्स को दे दूं। जानकारी ये मिल रही है कि जिस तरह से ताइवान अमेरिका के हथियारों के जरिए एयर ड्रिल, नेवल ड्रिल और तमाम तरह से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में चीन ने जानकारी ये है कि आने वाले 1-2 दिन में ड्रिल करने की तैयारी कर ली। और जिस किनमन आइलैंड पर हम कल गए थे उसी के आसपास ये सारी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड भी होंगी। लेकिन उस बीच देखिए, ताइवान की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर इस वक्त दोपहर के बज रहे हैं 3:46 और अगर मैं 360 डिग्री अपने कैमरा पर्सन नीरज को कैमरा घुमाने के लिए बोलूँ तो नीरज, ये पहाड़ दिखाइए आप हमारे दर्शकों को। और ये जो पहाड़ इस वक्त दिख रहे हैं जंगल से पूरी तरह से पटे पड़े हैं। आनंद, ये वो पहाड़ हैं जहाँ पर आर्मी का बेस बना हुआ है और आर्मी यहाँ से लगातार निगहबानी कर रही है क्योंकि जानकारी ये है कि ड्रोन अटैक को लेकर बहुत ज्यादा ताइवान सतर्क है और ताइवान ने एक बड़ी डील करने की भी तैयारी कर ली है जिसके जरिए वो ड्रोन के जरिए निगाह रखेगा चीन की तमाम गतिविधियों पर। और इतना ही नहीं, हम एयरपोर्ट पर जब थे आनंद तो हमने वहां पर भी देखा कि पूरी तरह से हर, चाहे जमीन की बात करें, आसमान से बात करें, हालांकि यूक्रेन से अगर हम मुकाबला करें तो यूक्रेन का जो युद्ध था वो जमीन से लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर जो युद्ध है वो आसमान से या फिर समंदर के अंदर से लड़ा जाएगा। तो उन तमाम किनारों पर, उन तटों पर निगहबानी रखने के लिए ताइवान की पूरी तैयारी है इस वक्त। जी प्रीति, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, उस होटल पर गई थी आप जहाँ के बेसिस पर, जहाँ के ग्राउंड फ्लोर पर या उसके बेसमेंट पे उनका कमांड सेंटर है जो जहाँ पर काफी तैयारी है, राष्ट्रपति साई इंग-वेन लोगों से भी मिल रही है, जापानीज जो डेलीगेशन आया उनसे भी बातचीत की। आमतौर पर लोग ज्यादा डरे हुए नहीं दिख रहे हैं लेकिन तैयारी ताइवान की भी है। ताइवान ने भी अपने ड्रिल शुरू कर दिए, अपने युद्धाभ्यास शुरू कर दिए हैं, तो क्या ताइवान भी वहीं किनमन आइलैंड के आसपास चीन का काउंटर करने के लिए एक और युद्धाभ्यास करेगा? देखिए, एक महिला राष्ट्रपति जाती हैं अपने नेवल बेस पर, वहां सैनिकों से मिलती हैं, हथियारों को देखती हैं, उन हथियारों का जायजा लेती हैं जो अमेरिका से दिए गए हैं। इसका साफ संदेश है चीन को और चीन को सपोर्ट करने वाले किसी भी देश को कि अब हमारी तैयारी उस आखिरी अंजाम पर, आखिरी मकाम पर पहुंच गई है जहां से युद्ध के लिए आप अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 4 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और साई इंग-वेन की ये मुलाकात इन सैनिकों से यही दर्शाती है कि वो पूरी तरह से अपनी तैयारी को चाक चौबंद कर लेना चाहती हैं। और अमूमन देखिए, एक बैलेंस चाहिए होता है पॉलिटिकली और आर्मी के लिहाज से, सेना के लिहाज से, और ये जब सामंजस्य देखने को मिलता है तब जाकर कोई भी देश किसी भी विपत्ति से, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर किसी भी तरह से किसी दूसरे मुल्क के जरिए दी गई हो, तो दोनों ही मोर्चों पर साई इंग-वेन और सेना
अपने आप को पूरी तरह से मुस्तैद कर लेना चाहते हैं। जी प्रीति, और सबसे बड़ी बात, सीखने के लिए हमें भारत और किसी और देश के लिए भी ताइवान और ताइवान के लोगों से ये है कि चाहे कोई कितना भी डराए धमकाए, आपका दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए आपकी एबिलिटी के अंदर, और फिर इस साइऑप्स को फिर आप काउंटर कर सकते हैं। चीन हमेशा गिद्ध की तरह मंडराता जरूर है, अटैक नहीं करेगा, और ताइवान को तैयारी है कि भाई घूमता है घूमते रहने दो, जब अटैक करेगा तब हम करारा जवाब देंगे। अब एक बार फिर से चीन की नापाक चाल बेनकाब हुई है, चीन ने फिर से धोखेबाजी की है। एक तरफ ताइवान से एक दल सद्भावना की बातचीत करने गया था, और इसी बातचीत के फौरन बाद चीन ने फिर से भयानक वॉर ड्रिल करना शुरू कर दिया। याद रखिए, ये हिंदी चीनी भाई भाई करके आए थे गले मिलने, और फिर पीछे से खंजर घोपा था 62 में। ये आदत चीनियों की पुरानी है, ताइवान के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है चीन। शांति की बात के बीच बम बारूद, चीन ने फिर शुरू की वॉर ड्रिल। News18 की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, ताइवान पर चीन किस तरह से दबाव बना रहा है उसकी एक तस्वीर सामने आई। ताइवान के विपक्षी कुओ मिंतांग KMT के उपाध्यक्ष एंड्रयू हासिया के नेतृत्व में एक टीम चीन गई थी। मकसद था दोनों देशों के बीच टकराव को खत्म करना। इस बातचीत के बावजूद चीन ने अपनी चाल चल दी, दोबारा लाइव फायर ड्रिल करना शुरू कर दिया। चीन ने ये फायर ड्रिल समुद्री सीमा से महज 80 मील दूर फुजियान प्रांत में करना शुरू कर दिया। चीन की तरफ से मिसाइलों के जरिए भयानक गोलीबारी की जा रही है। और ये मिसाइलें ताइवान की सीमा के पास से होकर गुजरी हैं। इस आक्रामक कार्रवाई को चीन की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने भयानक गोलीबारी की थी। फायर ड्रिल करके अपने गुस्से को जाहिर किया था, लेकिन इस बार चीन ने ऐसी हरकत कर दी है जिसे बयां करना मुमकिन नहीं है। ताइवान की तरफ से सद्भावना यात्रा को गए विपक्षी नेता की बातचीत के बाद ही फायर ड्रिल स्टार्ट कर दी। चीन में एसोसिएशन फॉर रिलेशंस अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट्स के चीफ झांग झेजुन और ताइवान के विपक्षी नेता एंड्रयू हासिया के बीच बैठक हुई। मीटिंग के बाद चीन की तरफ से बयान भी आया कि ये वॉर ड्रिल ताइवान का समर्थन करने वाली बाहरी ताकतों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। वहीं ताइवान के विपक्ष की तरफ से बातचीत के लिए गए KMT के उपाध्यक्ष एंड्रयू हासिया के दौरे पर कई सवाल भी उठे थे। आशंका ये भी उठी थी कि कहीं वो ताइवान में सत्ता बदलने के लिए, ताइवान की राष्ट्रपति के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए तो नहीं गए थे। खुद ताइवान की राष्ट्रपति भी KMT की यात्रा से परेशान थी, लेकिन बाद में ताइवान की मीडिया से ये जानकारी आई कि KMT की यात्रा सद्भावना की यात्रा थी। टकराव खत्म करने की यात्रा थी, लेकिन इन सबसे उलट चीन अपनी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आया और उसने फिर से वॉर ड्रिल करके ताइवान पर प्रेशर डालने की कोशिश की।
और ये हालात केवल संगम तट पर ही नहीं बने बल्कि प्रयागराज के कई निचले इलाकों में भी पानी ने अपना विकराल रूप दिखाया। वहां रहने वाले लोगों के लिए इतने मुश्किल हालात हो गए कि वो ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि अलग अलग राज्यों से पानी छोड़े जाने के बाद